हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नाउ द एक्सरसाइज 14.3, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स. ओके, ऑलरेडी वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? फाइंड द फॉलोइंग टेबल, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया और जो है यहाँ पे 400 नियॉन लैम्प्स हैं. फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प. तो यहाँ पे दीज आर द लैम्प्स. सो दिस इज द, तो ये 400 है तो टोटल कितना हो जाता? टोटल इज 400. ये 400 हो जाता टोटल. नाउ नंबर ऑफ द लैम्प्स एंड लाइफ टाइम इन आवर्स, मीन्स 14 लैम्प्स ऐसे हैं जिसका लाइफ टाइम 1500 टू 2000 आवर्स है. 56 लैम्प्स आर देयर हियर इन विच इट्स लाइफ टाइम इज 2000 टू 2500. लाइक दिस वे व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प. हमको फाइनली मीडियन पता करना है. तो अब इसको सॉल्व करते समय सेम टेबल हमको ड्रॉ करना है. दो कॉलम तो सेम आएंगे. द थर्ड वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आएगा एफ एंड दिस इज द सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाउ टू राइट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? द फर्स्ट वन इज द 14 राइट एज इट इज. सेकेंड वन इज 14 प्लस दिस 56, कितना हो जाता? 60, 70 हो जाता. नेक्स्ट 70 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 130. नेक्स्ट 130 प्लस 86, अब ये करे तो लास्ट में 400 आता. ये और ये सेम होता है, मैं बोला इज इक्वल टू 216. देन 216 प्लस 74 कितना हो जाता? 1890, 290. सो 290 प्लस 62 इज इक्वल टू 352. नाउ 352 प्लस 48 इज इक्वल टू 400. ये और ये सेम आता इन इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. द लास्ट लास्ट वन एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द बोथ आर सेम. नाउ वी हैव टू सी दिस वन इज द एन बाय टू. एन बाय टू हमको देखना है. सो एन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू 200. सो दिस 200 इज लाइस इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कहाँ पे आता? यहां पे आएगा. यस, ये आएगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये आएगा कम होगा. सो एन बाय टू इज लाइस इन बिटवीन क्लास इंटरवल. अब इसके अनुसार अगर हम देखेंगे, दिस इज द क्लास मीडियन. 3000 to 3500. ओके, ये हो जाएगा. अब हमको यही क्लास, हमारा ये क्या हो जाता? क्लास मीडियन. सो क्लास मीडियन कितना है? 3000 to 3500. ओके, अब इसको ही लेके हमको बाकी वैल्यू लेना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला हमको पता रहना है. फर्स्ट, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इनटू एच. एन बाय टू हो गया हमारा, एन बाय टू हो गया. नेक्स्ट एल, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास मीडियन. सो एल इज इक्वल टू 3000, लिखने की आवश्यकता नहीं है. फर्स्ट में मैंने सारे लिखा था. एल किसको बोलते हैं? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास मीडियन. ये क्लास मीडियन का लोअर लिमिट. नेक्स्ट इज एन बाई टू इज ओवर सी एफ एंड द एफ. एफ ले लेंगे हम फर्स्ट. एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मीडियन 86. नेक्स्ट सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द क्लास मीडियन. ये जो क्लास मीडियन है ना, इससे एक पिछला वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लेना है, दैट इज द 130. ये एक हो गया. नेक्स्ट एच इज वॉट? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. सो वी हैव टू टेक एनी वन. सो 3500 माइनस 3000 कितना होता? दैट इज एच इज इक्वल टू 500. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. नाउ पुट द वैल्यूज.
सो मीडियन इज इक्वल टू एल, एल इज 3000 प्लस एन बाय टू 200 माइनस सी एफ, सी एफ इज 130 डिवाइडेड बाय एफ, एफ इज 86 इंटू एच इज 500. नाउ 3000 प्लस, अभी माइनस करेंगे कितना हो जाता, 70 हो जाता, 70, 200 माइनस 130 में 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500. नाउ 3000 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 3, 3 0 एज इट इज 1, 2, 3 एंड 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 86. सो 3000 प्लस, अब इसको डिवाइड करना है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं. तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आता, 406.978. नाउ ऐड, अब इसको ऐड कर लेंगे हम, हमारा मीडियन आ जाएगा यहाँ पे. नाउ 3406.978. सो दिस इज द मीडियन. नाउ राइट वन सेंटेंस, व्हाट आस्किंग हियर, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम. सो मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प इज 3406.978, लिख सकते दैट इज इन ए आवर. सो राइट हियर आवर, आवर इस प्रकार से हमको करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हियर, 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी. मतलब 100 जो है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दीज आर द सरनेम्स, 100 सरनेम्स टेलीफोन डायरेक्टरी में से लिए. एंड हियर द नंबर लेटर्स आर हियर, नंबर ऑफ द लेटर्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ लेटर्स देर आर 6 सरनेम्स, फ्रॉम 4 to 7 लेटर्स देर आर 30 सरनेम्स, लाइक दिस वे डाटा इज गिवन. सो एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम वॉज ऑप्टेन एज फॉलोस. डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, हमको मीडियन एक पता करना है. फाइंड द मीन नंबर ऑफ सरनेम्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम. मतलब हमको सभी पता करना है. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे मीन के अनुसार लिए. सो दीज आर द सरनेम्स एंड इट्स सम इसका क्या होता है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 100 बोल के. अब हमको मीन पता करने के लिए, वी नो दैट इफ वी आर फाइंडिंग द मीन अकॉर्डिंग टू द स्टेप डेविएशन मेथड, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला. सो फर्स्ट एक्स आई, एक्स आई हमको कैसे आता, द सम ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मीन्स 4 + 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2.5. नेक्स्ट 7 + 4 दैट इज 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5.5. दिस इज द 17 का हाफ 8.5. नेक्स्ट 23 मीन्स 11.5. दिस इज 29 का आधा कितना हो जाएगा 14.5. दिस इज 35, हाफ ऑफ द 35 17.5. नेक्स्ट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द डी आई के लिए हमको क्या चाहिए, A is the assumed mean. So assumed mean A is equal to, कोई एक ले लेंगे assumed mean. Suppose for example हम लेंगे 11.5. Assumed mean is 11.5. A is over. अब हमको पता करना है DI. DI means in this 2.5 all these terms we subtract the 11.5 like this way. Okay, if we subtract 550, 11 minus 2 is 9, yeah, again 9, this 550, 11 minus 5 means 6,
एक्चुअली इट कम्स माइनस 5 5 0, 11 माइनस 8 3, दैट इज माइनस 3. सो दिस वन इज 0, 11.5 माइनस 11.5. नेक्स्ट वन इज 0, दिस इज द 3 कम्स प्लस 3, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 6 कम्स. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू 17.5 माइनस 11.5 एक हो गया. नेक्स्ट अब हमको डी आई पता करना है. फॉर फाइंडिंग द डी आई फर्स्ट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी आई डिवाइडेड बाई एच. एच इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. कोई एक ले सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई एक ले लेंगे. 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, दिस इज द एच. नाउ डी आई डिवाइडेड बाई एच, दीज आर द डी आई, दीज आर द एक्स आई. तो ये डी आई है, तो इसके डिवाइडेड में क्या करेंगे, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, एच इज 3. सो माइनस 9 बाई 3 मीन्स 3 वन जा 3, 3 जा माइनस 3, माइनस 2, एंड माइनस 3 बाई 3 मीन्स माइनस 1, 0 बाई 3 मीन्स 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2. सो दीज आर द वैल्यूज. ये आ गया यू आई. सो दिस इज द यू आई एंड दिस इज द एफ आई. नाउ मल्टीप्लाई एफ आई इन टू यू आई, वी गेट द अनदर कॉलम्स. क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 2 इंटू 30 दैट इज 60. नेक्स्ट 40 इंटू माइनस 1 माइनस 40, 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी वॉन्ट टू टेक हियर द सिग्मा एफ आई यू आई. तो वेर इट कम्स द सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, अब इसका सम लेना है हमको. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सम ऑफ द नेगेटिव टर्म्स, माइनस 60 माइनस 40 इज माइनस 100, दिस इज माइनस 118, दिस इज द 12 प्लस 12, दिस इज 6, दिस इज द 10, दैट इज कम्स माइनस 100 एंड माइनस 106. सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स इन द व्हेन वी आर फाइंडिंग द मीन. सो एक्स बार इज इक्वल टू ए, ए हमने लिया था, ए इज द 11.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, दैट इज द माइनस 106 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दिस इज द 100 इन टू एच. वेर इज द एच, एच इज हियर 3, एच इज 3. नाउ 11.5 जस्ट मल्टीप्लाई 3 टू दिस नंबर, ओके प्लस इंटू माइनस माइनस, ओपन दिस वन, 6 3 इज 18, 1 कैरी दैट इज 1 कम्स, 3 वन इज 3 डिवाइडेड बाय 100. नाउ 11.5 सो माइनस डिवाइडेड बाय 100 मीन्स इट कम्स 3.18. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 11.5 3.18 राइट 10, दिस इज टेकिंग वन बोरो, दिस इज द 10, दिस इज द 4, 10 माइनस 8 मीन्स 2, दिस इज 3.11 माइनस 3, 11 माइनस 3 मीन्स 8. So the finally it comes here 8.32. So this is the x bar. What is the x bar? X bar means here that is the mean. So final answer is 8.32. Next one is we want to find here the model class of surname. Okay. So mod हमको पता करना है. So first in this one, we want to see here in the frequency, the maximum frequency is here 40. So 40 है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, this is the model class. So maximum frequency is 40 belonging to class interval 7 to 10. ओके अब इसके अकॉर्डिंग लेना है हमको. हमको मॉड का फॉर्मूला पता है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस सिग्मा
एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच. सो दिस इज द फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक. सो फर्स्ट हमको यल लेना है. यल कै में से आता, यल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. सो दिस इज द मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लासेस और क्लास मॉडल भी बोल सकते हैं. दैट इज द 7 to 10. 7 to 10. अब इसके अनुसार ही लेना है. यल यल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 7. सो दिस इज द 7 इज द यल. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज एफ वन. हेच तो आएगा डिफरेंस बिटवीन, हमने पिछले इसमें किया था. हेच इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 10 - 7 इज 3. नेक्स्ट एफ वन एफ नॉट एफ टू. सो ये आएगा फर्स्ट, ये वाला आएगा एफ वन, इससे पिछला वाला एफ नॉट. सो दिस इज द एफ टू. सो एफ वन इज 40. एफ नॉट इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग यानी जो मॉडल क्लास है उससे एक पिछला वाला. सो एफ नॉट कितना होता? एफ नॉट इज इक्वल टू 30. एफ वन सॉरी एफ वन इज ओवर एफ टू. एफ टू इज फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसके अगला वाला, ये आएगा 16. हो गए सारे वैल्यू. नाउ मॉड इज इक्वल टू एल 7 प्लस एफ वन 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस एफ टू इज 16 इंटू एच इज 3. सो 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 इज 80. ये कितना हो जाता? 46 इंटू 3. सो 7 प्लस 3 इंटू दिस 10 30 डिवाइडेड बाय ये माइनस किए तो कितना होता? 34 हो जाता. अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर ले सकते हैं मॉड कितना आएगा. ये आएगा एक्चुअली 0.88. सो इट बिकम 7.88 इस प्रकार से आएगा. सो वन सेंटेंस मॉडल साइज ऑफ सरनेम इज 7.88. 7.88 इस प्रकार से आएगा. नेक्स्ट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट हियर द मीन. मीन हमको पता करना है. मीन के लिए क्या आता है यहां पे? हमको एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पता करना पड़ता है. ये दोनों डाटा तो दिया. ओके सो हियर इट्स सम इज एन इज इक्वल टू 100. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन. Now, how to write the cumulative frequency? The first one 6 as it is. Now, add these two. ये दोनों add करना है. So, 30 plus 6 is equal to 36. Then, 40 plus 36 is equal to 76. Then 16 plus 76 is equal to 92. Then, 92, 4 लिखेंगे पहले. 4 प्लस 92 इज इक्वल टू 96. देन दिस 4 प्लस 96 इज इक्वल टू 100. आगे 100 ये और ये सेम आना नहीं आया तो कुछ डिफरेंट है. ओके नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हाउ टू फाइंड आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर द n डिवाइडेड बाय 2. n डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज इक्वल टू द 50. अब 50 कहाँ था? 50 कम्स हियर इन दिस वन. आता इसमें भी नहीं आएगा और ना इसमें भी आएगा. नियरेस्ट हमको देखना है. सो 50 नहीं आता. दैट इज इन द इंटरवल 7 to 10. सो n डिवाइडेड बाय 2 इज लाइज इन द क्लास इंटरवल 7 to 10 यहां पे आएगा. सो दिस इज द क्लास मीडियन कितना है? 7 to 10. 7 to 10 दिस इज द क्लास मीडियन. नाउ
Now we have to take the first one is L. L is the lower limit of the class median, that is 7. L आ गया. Next आएगा frequency. F is equal to the frequency of the class median 40. Then CF. CF is what? The cumulative frequency preceding the class median. This is the cumulative frequency preceding the class median. ये class median से पिछला वाला. क्या है यहाँ पे? 36 है. आ गए सारे value? Lower limit of the class median, frequency of the class median, and cumulative frequency preceding the class median. Succeeding वाले, succeeding means अगला वाला, preceding means उसका पिछला वाला. Now the formula is median is equal to L plus N divided by 2 minus CF divided by F into H. Now the values L. L is 7. N by 2, 50. Minus CF. CF is 36 divided by F. F हमने लिया था 40. Into H. H नहीं लिए. H is the difference between. कौन सा भी एक नंबर का डिफरेंस ले सकते. 10 minus 7. 7 minus 4 ऐसे ही. 3 आएगा. So into 3. यहाँ पे प्लस है. ओके, सो 7 प्लस ये माइनस किए तो कितना होता 14 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 3. सो 7 प्लस मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 1 कैरी 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 40. सो 7 प्लस अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. सो ये इसको डिवाइड किए तो कितना आएगा 1.05. यू हैव टू चेक, आप चेक करके देख लो इसे 40 से. ओके सो 40 ले सकते हैं या 4.2 लेके इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो 4.2 डिवाइडेड बाय 4 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा सो 2.1 डिवाइडेड बाय 2. फिर और डिवाइड कर लो, आपको इतना आंसर आ जाएगा. नाउ 8.05, व्हाट इज दिस वन? दिस इज द मीडियन. तो ऐसे आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे. द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास. फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट हमको पता करना है. मीडियन, सो इसके लिए हमको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना पड़ता फर्स्ट. जो भी डाटा दिया तो ये ऑलरेडी दीज टू वैल्यूज आर गिवन हियर. हमको एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेना है. फर्स्ट 2 इज एज इट इज, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, सो 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30. अब ये वाला और ये भी सेम आता बोला, सो दिस इज ऑल्सो ए 30 एंड दिस इज वॉट एन. नाउ एन बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15. अब 15 कहाँ आएगा? इन द यहाँ पे हमको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना है. 19 में आता, इसमें तो ज़्यादा होता आता, पर ज़्यादा होता इसमें इसमें तो आता ही नहीं. नियरेस्ट चाहिए हमको, सो दिस वन इज द क्लास मीडियन. ओके सो एन बाय टू लाइज इन बिटवीन क्लास इंटरवल 55 to 60. सो क्लास मीडियन इज इक्वल टू 55 to 60. ओके अब क्या चाहिए? यल चाहिए हमको. यल इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास मीडियन, दैट इज द 55. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? यल. यल आफ्टरवर्ड्स एफ चाहिए. एफ इज द 6 एंड सी एफ हमको एक ध्यान में रखना है, ये नहीं लेना है, इससे पिछला वाला लेना है.
ओके, प्रीसीडिंग द क्लास मीडियन, यानी प्रीसीडिंग जो वर्ड था इसके पिछले वाला जो भी है ना, इसके पिछला वाला, दैट इज द 13। और क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एच चाहिए। एच इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटरवल्स। सो 60 माइनस 55, सो दैट इज इक्वल टू द 5। दिस इज एच। नाउ द फॉर्मूला, सो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइडेड बाय टू, एन डिवाइडेड बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इन टू एच। सेम वैल्यू हैव टू पुट, वैल्यू हमको पुट करना है। एल कितना लिए हम? एल लिए हम यहाँ पे 55 प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे किए थे 15, माइनस सी एफ, सी एफ इज 13 डिवाइडेड बाई एफ, एफ इज 6 इन टू एच इज 5। नाउ 55 प्लस सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। नेक्स्ट 2 वन 2 3 जा, सो 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, सो 55 प्लस 5/3 हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके चेक करना है 5/3 कितना आता, 1.67 आता, 1.67। यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज, इसको ऐड करेंगे 56.67। व्हाट इज दिस वन? दिस इज द मीडियन। ये हो गया मीडियन। सो देयरफॉर मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज 56.67 इन के जी, सो दैट्स वाई इट इज के जी इन के जी। तो इस प्रकार से हमको करना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हमको मीन, मॉड और मीडियन के फॉर्मूले याद रहना है, और इसको किस प्रकार से लेना है हमको ये भी याद रहना है, तभी जाके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये चैप्टर, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको वैल्यू लेना है। ओके, सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।